Για το ήρωα. आपको हम बताएंगे कि ये मरल मछली का शिकार कैसे करते हैं, ये स्नेकेड फिशिंग आर्टिफिशियल फ्रॉग लूर पे कैसे पकड़ा जाता है। लाइव अर्थवर्म पे, केचुए पे, फ्रॉग पे तो बहुत लोग पकड़ते हैं, ये बहुत लोग सीखना भी चाहते हैं कि आर्टिफिशियल पे कैसे पकड़ा जाता है, तो जगह कैसे होनी चाहिए और उसको धागा रेडलाइन कौन सा यूज़ करना चाहिए, कैसा सब आपको हम आगे बताएंगे। यह लाइव कैच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेलगाम फिशिंग हंटर ग्रुप। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू। और हमारी वीडियो आप देखते रहेंगे, आप एंजॉय करते रहे, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, उनसे सब्सक्राइब करो ताकि हम और आगे आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। और आपका कोई भी सजेशन है या कोई डिटेल चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। तो इस वीडियो में हम बताएंगे स्नेकहेड कैसा पकड़ा जाता है, मरल फिश हम लोगों ने किस तरीके से कैसे स्नेकहेड पकड़े हैं। आपका ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, सब लोग का हर का तरीका अलग है, अलग अलग है। बहुत लोग अभी भी चारे पे लाइव बेट पे पकड़ते हैं, फ्रॉग पे पकड़ते हैं, हम लोग आर्टिफिशियल पे चारा खेलते हैं तो आर्टिफिशियल यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्नेकहेड के लिए बहुत अच्छा लूर है जो हम लोगों ने रिजल्ट किया, वो है ये स्पिनर, ब्लू फॉक्स स्पिनर 5 नंबर। स्पिनर 5 इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, हमारा एक्सपीरियंस रहा है इससे। आप कभी भी क्लीन वाटर में, क्लीन सरफेस में, रिवर में अब इससे अगर स्नेकहेड वहां हो तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। मछली लगने का तो 100% चांस है अगर स्पिनर पे, अगर स्नेकहेड वहां पे हो तो। अब इससे दिखते ही स्नेकहेड स्ट्राइक कर देगा आपको। ये है ब्लू फॉक्स का स्पिनर, हम देख सकते हैं। इसके अलावा ये फिश जिगर स्पिनर, ये भी बहुत अच्छा रिपोर्ट मिलेगा आपको इस पे भी। इसे भी हमने स्नेकहेड मिले, हमें बहुत पकड़े हैं। फिर आता है डबल ब्लेड मैक्स स्पिनर, ये बिल्कुल रियल अट्रैक्शन करता है इंसेक्ट की तरह पानी के अंदर। ये भी स्नेकहेड फिशिंग के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही गुड रिजल्ट्स हैं इसके भी। फिर अगर आप देखेंगे ग्रास या कचरा हो पानी के ऊपर तो आप फ्लॉग लूर ट्राई कीजिए। फ्लॉग ज्यादातर स्नेकहेड तो लोग फ्लॉग पे करते हैं, इसका पॉपिंग की तरह मजा मिलता है आप सबको। ये फ्रॉग ट्राई करना चाहिए जहां पानी हो, ग्रास हो, इसमें अलग अलग के फ्रॉग हैं टाइप्स के। और ये वाला फ्रॉग हमारे ग्रुप में यूज किया जाता है, इसे हमारे एंगलर, सीनियर एंगलर, ग्रुप के वर्ल्ड एक्सपीरियंस एंगलर हमारे हरुण भाई ने बनाया है। ये पाइन वुड की लकड़ी से बनाया जाता है ताकि फ्लोट भी हो और कास्टिंग के लिए भी अच्छा हो। और इसके हुक्स हम पीछे देते हैं ताकि कोई भी स्नेकहेड इस पर अटैक किए तो मच्छी मिस ना हो आपका, इससे मिस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। वैसे तो फ्लॉग लूर पे भी मिस नहीं होता, फ्रॉग पे भी मच्छी मिस नहीं होता है, लेकिन कभी कभार इधर सही अटैकने की वजह से मिस हो जाता है। तो आपको मैं एक टैकल बताता हूँ फिशिंग का, और ये फ्रॉग का और एक बात बताऊं, जो वेट है ये 15 ग्राम से 20 ग्राम तक होगा तो कास्टिंग के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं तो जो फ्रॉग यूज करता हूँ, मेरा फ्रॉग है लकी फ्रॉग, ये है रेगुलर लकी फ्रॉग, इसका वेट मैंने बढ़ा के 24-25 ग्राम कर दिया है ताकि लॉन्ग कास्टिंग हो ग्रास में या स्नेकहेड टारगेट करने के बहुत सही है। और मैंने इस पर बहुत सारे स्नेकहेड पकड़े हुए हैं, आप पिछले आप जाके हमारे चैनल की वीडियो में देख सकते हैं। ये वाले फ्रॉग पे लुकाना फ्रॉग, इसका बनावट बहुत अच्छा है, रबर क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो ये कुछ स्नेकहेड के पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल लूर्स थे।
और बाकी स्नेकेट पकड़ने के इसके अलावा यूज होता है लाइव फ्रॉग, लाइव इंसेक्ट, अर्थवर्म्स, केचवा बोलते हैं इसको, कीड़ा बोलते हैं, और अपने लकड़ी में जो कीड़ा आता है वर्म वो यूज होता है। और लाइव फ्रॉग पे ज्यादा लोग पकड़ते हैं जिंदा मिंडी के, रात में उसको हुक किया जाता है पानी के करीब और उस पर भी स्नेकेट अटैक करता है। हम लोग तो ऐसे नहीं, बहुत सारे हम लोग तो पकड़ते हैं, ज्यादातर हमारा होता है आर्टिफिशियल एंगलिंग में, तो ये फ्रॉग लूर और अपना स्पिनर और फ्रॉग पे हम लोग स्नेकेट ज्यादा पकड़ते हैं। देखिए कुछ वीडियो क्लिप्स हमारे, एंजॉय करिए। और आपका कोई भी सवाल है, सजेशन है, कोई भी डिटेल के आपको जानना है तो हमें नीचे इनबॉक्स में कमेंट कीजिए। और यह है आज का स्नेकेट, बहुत ही गुड साइज लगा है हमें शानदार फ्रॉक पे, जाके पकड़ा था। फर्स्ट कैच निचले थोड़ा निचले, आज संडे का फर्स्ट कैच, ठीक है निचले निचले साथी बस ले दो बिग कैच। ये देखिए आज संडे का हमारा कैच, हम आप लोगों को भी बताएंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं व्यूअर हैं वो लोग भी जाने, ताकि पुराने लोग तो खेलते ही हैं लेकिन नए लोग को भी कुछ सीखने को मिलेगा। हमें जितना नॉलेज है हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपका भी कोई सजेशन हो, कोई आइडिया हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। कोई डिटेल चाहिए तो आपका नंबर सेंड कीजिए हमारे साथ बात करने का हो तो। ये बहुत ही गुड साइज स्नेकेट मिला है हमें आज, डिसेंट साइज है। ये एंगलर रिजवान मुल्ला पकड़े हुए हैं स्नेकेट। फर्स्ट कैच बिग कैच, आपको इसी तरह खेलना है। जहां घास हो, पानी पे कचरा हो, हम आपको लाइन बता दें। ये देखिए क्रॉस है, ये हमारा लाइन, इसका साइज है 0.30 mm, 30 lb, 28 mm से 32 mm का लाइन लीजिए, ताकि आपको कास्टिंग पे अच्छा हो, लॉन्ग कास्टिंग हो। देखिए दोस्तों, स्नेकेट फिशिंग के लिए, फ्रॉग लूर के लिए, जहाँ मेंढक कहते हैं, आर्टिफिशियल मेंढक, आर्टिफिशियल फ्रॉग खेलने के लिए ऐसा जगह होना चाहिए, पानी के ऊपर जो घास हो, ग्रास या फिर कचरा या फिर कमल के पत्ते, आप ऐसी जगह हो और उधर स्नेकेट का आपको पता हो तो फ्रॉग ट्राई कीजिए, फ्रॉग लूर, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। क्लियर पानी में नहीं चलेगा, अगर पानी क्लियर हो तो आपको ब्लू फॉक्स स्पिनर खेलना पड़ेगा। ये देखिए पानी के ऊपर गंजाल, इधर हमारे लोकल लैंग्वेज बेलगाम में इसको गंजाल बोलते हैं, गंजाल हो, घास हो, कचरा हो, ऐसी जगह स्नेकेट रहती है शिकार के लिए, अटैक के लिए रहती है, स्ट्राइक के लिए, फ्रॉग या फिर कीड़ों के लिए, तो आपको इस पर 100% रिजल्ट मिलेगा फ्रॉग लूर पे। ये देखो जगह ऐसी होनी चाहिए, बेस्ट प्लेस फॉर स्नेकेट फिशिंग, फॉर फ्रॉग लूर। और स्नेकेट पकड़ने के लिए मरल फिश, मरल मछली के लिए, क्लियर पानी के लिए आर्टिफिशियल जो है स्पिनर बेस्ट काम करेगा। इधर स्पिनर आपको अगर पानी ऐसा साफ क्लियर है, साफ है, पानी पे कोई कचरा घास नहीं है, तो आपको स्पिनर ट्राई करना होगा, स्पिनर पे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा क्लियर पानी के ऊपर। जहाँ पानी के ऊपर कचरा है, घास है, वहाँ फ्रॉग, और जहाँ पानी ऐसा क्लियर है, साफ है, तो आपको उधर स्पिनर ट्राई करो। जैसे हमने वीडियो में दिखाया, स्पिनर का एक्शन इसमें बहुत ज़बरदस्त काम करता है, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको ऐसे क्लियर वाटर में।
इसको स्नेकर फिश अट्रैक्ट होती है, मशीर। अगर आपको भी ऐसी स्नेकर पकड़नी है तो ऐसे पानी पे जहाँ कचरा हो, गंजा लो, आपको पता है स्नेकर हो, मरल मछली है, तो फ्रॉग लूर ट्राई कीजिए। ये देखो हमारे एंगलर रिजवान मुल्ला आपको डेमो दिखाएंगे। स्लो रीलिंग कर, स्लो। ये आ रही है फ्रॉग, स्लो 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 स्लो, मछली मछली, हाँ स्लो स्लो, स्नेकर है उसके पीछे। इसी तरह से आपको फ्रॉग को रीलिंग करना है। फ्रॉग लूर पे, आर्टिफिशियल मेंढक पे हमने स्नेकर पकड़ लिया है, स्नेकर मिला है हमें। दिख रही मछली पूरी बाहर में जा, कैसा होना होता वैसा कट कर ले चलता है। लाल बटन दबा, लाल बटन दबा, कभी बोला अलग को। मरल लग चुकी है, सेकंड स्नेकहेड, सेकंड स्नेकहेड। ये थोड़ा उतना बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा है, लेकिन सेकंड कंटिन्यू हैट्रिक का चांस है। ये भी हमें मिला है फ्रॉग लूर पे। वीडियो मोबाइल ऐसे आ गया, ये देखो, देखा देखो। फ्रॉग लूर पे हमने आज दूसरा स्नेकर पकड़ लिया है। दूसरा मरल कैच, मान जाने के टाइम टू स्नेकहेड कैच टुडे। मच्छी ड्राई हो चुकी है। स्नेकहेड कैच का वीडियो नहीं बना सके हम, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह खेल रहे थे, वीडियो बनाने कोई नहीं था। इसके लिए मच्छी लगने के बाद का वीडियो दिखा रहे हैं आपको।